गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू कालाबारी अकाडमी नम्बर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्गन पी पाता अंद आगनस देर आर हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अभी फीमेल असेसरी डक्ट्स इधर असेसरी मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन यद अब इट इज ओवरी ओवरी इज दि गोनेड ऑफ दि फीमेल एंड इट इज दि प्राइमरी आर्गन ऑफ दि रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स अंड फीमेल असेसरी डक्ट्स अब पार्कल फर्स्ट इज ओविडक्ट दट इज दि फेलोपियन ट्यूब अद्क इन पे सेलफिंग्स अब ओके इट लीड्स फ्रॉम दि ओवरी टू दि यूटेरस ओके देन कम्स दि यूटेरस इट इज आल्सो ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देन कम्स वजाइना दीज आर आल दि असेसरी डक्ट्स सो फेलोपियन ट्यूब इज अबउट 10 to 12 सेन्टीमीटर इंजे यूट्रस जॉन पड़े वरी लेंथ इज 10 to 12 सेन्टीमीटर फ्रम पेरीफेरी आफ दि ओवरी टू दि यूट्रस इध ओवरी क्लोजर टू दि ओवरी दिस इज जस्ट लाइक अ फनल लाइक स्ट्रक्चर टू कलेक्ट दि ओवम रिलीज्ड फ्रम दि ओवरी ओके इन द फनल लाइक स्ट्रक्चर्स पे इनफंडिबुलम देन कम्स ampulla it is a wider region it is a wider region in this infundibula hair like hairy structures are there this is called fimbriae this fimbriae attaches to with ovary and it collects the ovum and conducts through the oviduct to the uterus so after infundibulum next portion in a wider part that is called ampulla this area then comes isthmus which is a narrow part isthmus is narrower than ampulla and has a narrow lumen and it joins with the uterus it joins with the uterus this is the tubular structures of the female reproductive system okay then comes vagina after uterus then there is cervix and vagina regarding that part we will see in the next discussion thank you students